फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज। कैसे हैं आप सब लोग? आज की हमारी रेसिपी है मूंग दाल के चीले की रेसिपी। आप ये देख सकते हैं, सुपर यमी लग रहा है। तो इसके लिए मैंने एक कप मूंग दाल को भिगोकर रख दिया था। थोड़ी सी धनिया पत्ती, एक प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च मैंने कट कर ली है। तो सबसे पहले जो मैंने दाल भिगोई थी, ये मैंने 2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोई थी फ्रेंड्स। इसके बाद अब हम इसको पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक हमें नहीं पीसना है, हल्का सा हमें इसको दरदरा रखना है। तो फ्रेंड्स, हम जो चीला बना रहे हैं एकदम नए स्टाइल में बना रहे हैं, जो कि आपको नॉर्मल तरीके से जो चीला बनता है उससे भी अच्छा लगेगा। और ये रेसिपी बिल्कुल हेल्दी रेसिपी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है। तो प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है, ईज़िली इसको बनाया जा सकता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो थोड़ा सा मैंने उसमें पानी भी ऐड कर लिया है। तो उसके बाद अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो देख लीजिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब हम एक बोल में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। और उसके बाद जो हमने धनिया पत्ती, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च कट किए हैं उनको ऐड कर देंगे। साइड में मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंने डाल दिए हैं इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने डाला है सेंधा नमक एंड 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो थोड़ा सा अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, बहुत हमें पतला घोल नहीं बनाना है फ्रेंड्स इसका। देखिए कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इस कंसिस्टेंसी का जो बैटर हमें तैयार कर लेना है। इसमें हम एकदम मिनिमल तेल यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही कम तेल हमने यूज़ किया है। तो ये नॉन स्टिक हमने तवा लिया है, उसमें हम हल्का सा तेल स्प्रिंकल कर लेंगे। और उसके बाद एक चमचे से हम बैटर को फैला लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स, तो वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है। डाइट फ्रेंडली रेसिपी है, ईजली बनाया जा सकता है। हल्का सा मैंने तेल ऊपर से स्प्रिंकल करके इसको ढक देंगे 1 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है गैस को। तब हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे और वापस इसको वो फ्यू सेकेंड्स हम ढक देंगे। तो देखिए हमारा क्रिस्पी मूंग दाल चीला रेडी हो चुका है। देखिए हल्का सा और क्रिस्पी अब हम इसको कर लेंगे। ये देखिए परफेक्ट क्रिस्पी बनके रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे मूंग दाल चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके साथ मैंने धनिए की हरी चटनी बनाई है सर्व करने के लिए, इससे इसका मज़ा दोगुना हो जाता है। तो आप भी फ्रेंड्स ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए मैंने धनिया की चटनी के साथ सर्व कर दिया है। फिर मिलते हैं, टेक केयर।